आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जो छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे थे, अब वो छोटे दल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं नतीजे आने के बाद, जब सरकार नहीं बनी तो। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जिसे हम और आप चुनाव प्रदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में कई सारे चुनाव होते जा रहे हैं, जिसमें राज्यसभा का चुनाव हो गया, जिसमें इसके पहले विधान परिषद के चुनाव हो गए, फिर विधान परिषद के चुनाव हैं। कई सारे जो चुनाव हैं वो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में होने हैं, और उसके बाद 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए राजनीतिक दलों ने लगभग अपनी पूरी तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों की तरफ से अगर बात करी जाए तो लगातार इस गणित को भिड़ाने में वो लगे हुए हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों को बढ़ाया जाए, जो कि सत्ता में है या फिर विपक्ष में है, और जो सत्ता या विपक्ष दोनों में बहुत मजबूत नहीं है वो ये सोच रहे हैं कि कैसे नया घर ढूंढा जाए या फिर अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। फिलहाल अगर विधान परिषद चुनाव की बात करी जाए तो 13 सीटों पर 20 तारीख को चुनाव होना है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से विधायकों की संख्या है सत्ता और विपक्ष के पास, ऐसे में बीजेपी अपने 9 प्रत्याशियों को जिता करके विधान परिषद, जो कि उच्च सदन है उत्तर प्रदेश का, वहां भेज सकती है, और समाजवादी पार्टी 4 प्रत्याशियों को जिता करके भेज सकती है विधान परिषद में। अगर चुनाव नहीं हुआ तो, जैसे कि राज्यसभा में हुआ था, राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी और 8 प्रत्याशी बीजेपी के जीत करके गए थे, समाजवादी पार्टी ने 3 पर ही खुशी जताई, चौथा कैंडिडेट नहीं उतारा, चुनाव नहीं हुआ, और कुछ उसी तरह से इस बार यहां पर भी हो सकता है अगर सिर्फ इन कैंडिडेट्स को ही उतारा जाए तो। अगर कोई अलग, कोई बाहर से कोई दूसरा कैंडिडेट, कोई संख्या से ज्यादा कैंडिडेट नहीं उतारा जाता है तो चुनाव नहीं होगा। फिलहाल लगभग सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन भी हो गए हैं। पूर्व मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य, जो कि बीजेपी से नाराज होकर के समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव के दौरान आए थे, उन्होंने आज अपना नामांकन किया है, और बीजेपी की तरफ से भी कई सारे जो कद्दावर नेता हैं उनकी लिस्ट जो है वो जारी हुई है। 9 लोगों की लिस्ट जारी हुई है जो कि MLC इस बार बनाए जाएंगे, और उसमें 6 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। ये बात हो गई उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव को लेकर के। 13 सीटों पर चुनाव होना है, 20 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन इन सबके बीच में समाजवादी पार्टी की समस्याएं जो है वो काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के अपने नेता और उसके बाद अब गठबंधन के नेता उनसे नाराज हो रहे हैं। अपने नेताओं में शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी सबसे पहले आई थी, आजम खान की नाराजगी उसके बाद आई, आजम खान को मनाने के लिए लगातार अखिलेश यादव की तरफ से कई सारे राजनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जो गुंजाइश बची है वो गुंजाइश बची रहे और रिश्ते जो हैं वो मधुर हो सकें। MLC के भी जो प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया है, बताया जा रहा है इनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो आजम खान के करीबी हैं। लोकसभा प्रत्याशी, जो कि उपचुनाव होना है रामपुर में, वहां पर भी कुछ इसी तरह से बताया जा रहा है, और इसके पहले जो राज्यसभा भेजे गए हैं कपिल सिब्बल, उनके लिए भी इस तरह से बताया जा रहा है। तो अखिलेश यादव की तरफ से पूरा प्रयास, पूरी कोशिश है कि कुछ भी करके रिश्तों को सही कर लिया जाए, बेहतर कर लिया जाए, और दिल्ली में मुलाकातें भी जो है वो आजम खान से अखिलेश यादव की सबको पता है। लेकिन इस बीच अपने नेताओं को मनाते मनाते विपक्ष उस चीज को भूल गया जिसके बलबूते पर वो विपक्ष में इतना मजबूत हुआ था। अखिलेश यादव जिन विपक्षी पार्टियों के सहयोग से गठबंधन बना करके विपक्ष में इतना मजबूत हुए थे, दरअसल उनको वो भूलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला आज केशव देव मौर्य के महान दल ने समाजवादी पार्टी से नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ दी। उन्होंने ये कहा कि अब हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले जब हम गठबंधन में आए थे, चुनाव के नतीजे आ गए, और उसके बाद अब अभी तक किसी भी तरह से कोई भी इज्जत जो है वो हमें या हमारे दल को नहीं मिली है। किस तरह की इज्जत, ये इस डिबेट के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर समस्याओं भरा कदम
अब आगे बढ़ेगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनके अपने जो गठबंधन के साथी थे वो एक एक करके अलग हो रहे हैं। बताया जा रहा है जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी उनसे काफी नाराज चल रही है, जो कि संजय सिंह वाली थी। ओम प्रकाश राजभर भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि MLC में जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनकी घोषणाओं से वो खुश नहीं थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि अरविंद राजभर, जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, उनके नाम के लिए भी काफी चर्चा विचार विमर्श किया गया था, लेकिन उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ विधान परिषद का चुनाव है, एक के बाद एक कई सारे चुनाव हैं, 2024 की तैयारी होनी है, गठबंधन जो विपक्ष का है वो काफी समस्याओं भरा इस वक्त अपना समय काट रहा है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। समाजवादी पार्टी के सभी हमारे सदस्य जिन्होंने नामांकन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं पार्टी के विधायकों का भी धन्यवाद देता हूं। गठबंधन से अलग होने का फैसला तो लगभग मैंने कर लिया है, नाराज मैं किसी से नहीं हूं। गठबंधन से मैं इसलिए अलग होना चाहता हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन में मुझे लगता है कि मुझे कहीं जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब से मैं गठबंधन में आया, मैंने दिल से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहा, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे कभी भी तवज्जो नहीं मिला। तो इस विषय पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेहमान जो है वो सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रजी हसन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, रामजी तिवारी हमारे साथ जनवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, दयाराम भार्गव हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, किशन भैया हमारे साथ महान दल से जुड़े हुए हैं, और पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रजी हसन आपके ही पास आना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा आप ही लोग से जुड़ा हुआ है। आज आप लोगों ने नामांकन अपने 4 प्रत्याशियों का करवाया है विधान परिषद के लिए, बता रहे थे कि हम लोग विपक्ष में सबसे ज़्यादा मजबूत हैं इस बार, और इतना मजबूत हैं कि BJP की समस्याओं को बढ़ा देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस पैनल में भी जितने मेहमान आपके बैठे हुए हैं जो आपके गठबंधन के हैं, वो भी आपसे नाराज हैं। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी विधान परिषद चुनाव प्रत्याशी घोषित किए गए, ये कहीं ना कहीं पूरे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और देखिए, सरकार और पार्टी और पार्टी के नेता, सभी की इच्छाएं होती हैं और उनकी सोच होती है, ये भी सोच होती है कि भाई हमें भी उस हिस्सा बनाया जाए, मगर कहीं ना कहीं परिस्थितियों के कारण और भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए जो भी डिसीजन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया, वो गठबंधन से पूछ कर लिया और गठबंधन के सहयोग से। गठबंधन से पूछ के लिया होता तो दयाराम भार्गव के प्रत्याशी का नाम क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, ये तो भाई प्रत्याशी में नाम आना, सूची में नाम आना और ना आना, ये गठबंधन का मुद्दा नहीं है। आप कह रहे, अगर आप चाहे, नहीं नहीं आप समझ लीजिए, पहले बात सुनिए, तो अगर मेरा सूची में नाम है तो क्या मैं गठबंधन में हूँ? अगर सूची में नाम नहीं है तो मैं गठबंधन में नहीं हूँ? ये तो एक सोच का फर्क है। नहीं तो ये केशव देव मौर्या क्यों कह रहे हैं कि हमें शुरुआत से ही सम्मान नहीं मिला? देखिए, उन्हें क्यों सम्मान नहीं देते भाई आप लोग? शिवपाल यादव भी कह रहे थे एक समय पे कि सम्मान नहीं मिला। देखिए, आज समाजवादी पार्टी में जिस तरह का सम्मान लोगों को मिल रहा, चाहे वो गठबंधन के साथी हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता हो, जितना समाजवादी पार्टी पूरा प्रयास करके उनको सम्मान देने का काम करती है, और अन्यथा कहीं किसी दल में भी कोई सम्मान नहीं, आप जान रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाजवादियों की विचारधाराओं से जुड़ी है और जमीनी लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, और उसमें सबका सम्मान है, सबका साथ सबका सम्मान है। हम विकास तो इसलिए नहीं कह सकते कि विकास का नारा देने वाले लोग तो अब तो भूल गए विकास के नाम को, पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे सबका साथ और सबका सम्मान अगर किसी के पास है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास, और समाजवादी पार्टी नियंत्रण गठबंधन के साथ है और सदैव गठबंधन के साथ रहेगी, और कोई हमारा गठबंधन आप साथ है ना, आपके साथ नहीं है ना लोग, ये भी सच है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, रजी भाई मैं आऊंगा आपके पास। राम जी तिवारी जी हमारे साथ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से हैं। राम जी तिवारी जी, क्या आप लोग भी नाराज हैं? सुनने में आ रहा है कुछ ऐसा कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर के कुछ नाराजगी है आप लोगों के अंदर। नाराजगी तो थोड़ी सी है, क्योंकि जो अखिलेश, ये रजी हसन क्यों कह रहे हैं कि हमें कोई नाराजगी नहीं है? नाराजगी तो कहने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो है हमारी नाराजगी यही है कि जो हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया था
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है चौहानों के लेके रात दिन रात मेहनत करी थी, उसको लेके कोई उनकी तरफ से जो अखिलेश जी की तरफ से वादा किया गया था उसको नहीं निभाया गया, MLC बनाने के लिए उनको कहा गया था, जिसकी वजह से उनको उन्होंने अपने लिए कोई टिकट नहीं मांगा। अच्छा, उनके लिए कहा गया था जी? अच्छा, बात हुई थी उनसे, लेकिन उनकी तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। तो गठबंधन तोड़ने का सवाल तो है कि नहीं तोड़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग अलग नहीं हैं, साथ में हैं, लेकिन एक हमारे जो समाज चौहान समाज है उसमें एक रोष है, मतलब नाराजगी है आप लोगों के अंदर जी। ठीक है, दयाराम भार्गव हमारे साथ सुबह स्पष्ट हैं। दयाराम जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरी आवाज जा रही है। दयाराम जी, ये दो लोग तो नाराज हैं, इन लोगों ने बता दिया, एक आपके केशव देव मौर्य महान दल वाले और जनवादी पार्टी संजय सिंह, ये दोनों लोग नाराज हैं। आप लोगों का क्या है भाई, सुनने में आ रहा है कि आप लोग भी नाराज हैं। नितिन भाई जी बोलिए। इसके पहले कई मुलाकातों में आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात हुई जी। बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था और या तो आप उसी समय मना कर देते कि नहीं हम इस तरह की जो है नहीं कर पाएंगे, और आश्वासन दे के उसके बाद जो आश्वासन से हट जाना, तो कहीं ना कहीं फिर जो भारतीय समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता की आहत। आप ये देखिए, यही उत्तर प्रदेश में जो है 2022 का चुनाव जी, RLD 38 सीटों पे चुनाव लड़ती है, 8 सीट दर्ज करती है। 12 भारतीय समाज पार्टी 16 सीट लड़ती है, 6 सीट दर्ज करती है जी। परफॉर्मेंस देखा गया है तो RLD से 12 भारतीय समाज पार्टी की अच्छी है। दूसरी बात, इसी 8 विधानसभा की वजह से RLD के जो है जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम 6 सीट ला करके भी MLC के लिए आश्वासन देने के बाद भी नाम ना आना, ये गठबंधन धर्म में कहां तक संभव है? दूसरी बात, आपने देखा होगा आदरणीय नेता ओम प्रकाश, दयाराम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ एक ही, हाँ बोलिए, आ रही आवाज, बोलिए दयाराम जी, बोलिए, आवाज आ रही है। जिस तरह 27 अक्टूबर 2021 को मऊ के हल्दर के मैदान में जिस तरह आदरणीय नेता ओम प्रकाश राय भर के नेतृत्व में आपने देखा होगा जन सैलाब बड़ा, आज तक इतिहास गवाह है, उस ग्राउंड में सत्ता पक्ष BJP केंद्र और राज्य में है जी, वो ग्राउंड भर नहीं पाया। प्रदेश में सपा बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की रही, लेकिन वो ग्राउंड नहीं भर पाया जी। तो उसी दिन से यह बिल्कुल बच गया था कि हम सरकार में आने वाले हैं। लेकिन नितिन भाई, थोड़ा सा और मैं आपको ले चलना चाहूंगा, गठबंधन धर्म में आदरणीय अखिलेश यादव जी से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से बातचीत होती रही जी। अगर राजभर जी की बातों को माना जाता, हम मध्यांचल में भी हमारे कार्यकर्ता हमारे पहलवान तैयार थे चुनाव लड़ने के लिए, बुंदेलखंड में भी तैयार थे, पश्चिम में नहीं देखा गया, अंतोगत्ता पूर्वांचल में देखा गया। अगर राजभर की बातों को तहजीब दिया गया होता और जितनी सीटें हम मांग रहे थे अगर उतनी सीटें मांगते तो आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में तस्वीर कुछ और होती। आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी, हम विपक्ष में है, आज समाजवादी गठबंधन जो है सत्ता में होती और आज विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी होती। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सीट को जो भी है समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी किसकी सलाह पे चल रहे हैं, कैसे कैसे इसको समझ रही है, उनका विवेक है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आपने कमेंट किया भाई गठबंधन धर्म के सभी साथी हैं, लेकिन उसमें आप देखिए 1-8 सीट लेकर के आप राज्यसभा भेजते हैं, उसका स्वागत है। तो 6 सीट अगर हमारी पार्टी के पास है तो विधान परिषद का हमारा हक बनता है भाई, हमें हक देना चाहिए था। ये सोचने का विषय है और ये मंथन करने का विषय है कि आखिर ऐसा निर्णय अखिलेश यादव जी ने क्यों लिया। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ जनाधार को पूर्वांचल में नहीं समझ पा रहे। मैं आता हूँ, आपने देखा नहीं? ठीक है, दयाराम जी आ गई, बात आ गई, मैं आता हूँ। पार्टी का खाता नहीं खुला। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। बड़ी नाराजगी आपके अंदर है, मैं देख रहा हूँ। किशन जी हमारे साथ हैं जी,
किशन जी महान दल से हमारे साथ हैं। किशन भाई, ये आज आपके अध्यक्ष का बयान आया है कि हमें जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वो कौन सी तवज्जो थी? और दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी से रजी हसन बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो इज्जत देनी थी उससे ज्यादा इज्जत दी है, लेकिन कोई उस इज्जत को समझ नहीं रहा। पहले तो बहुत शुक्रिया आपको जी, क्योंकि महान दल का सबसे पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन जो 2022 के लिए था, उसमें सबसे पहले गठबंधन की पार्टी महान दल के रास्ते से मेरे पिता ने पूरी ईमानदारी के साथ 2022 तक जब तक चुनाव हुआ तब तक उन्होंने गठबंधन के चुनाव के दौरान भी तमाम उन्हें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा, उन्हें तमाम बार इग्नोर किया गया, लेकिन क्योंकि वो चाहते थे कि दलित पिछड़ों को मजबूत करने के लिए, उन्हें हक हिस्सा दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाना जरूरी है, इसलिए उन्होंने चुनाव के दौरान ऐसी कोई भी बयान नहीं किया जिससे समाजवादी पार्टी को दिक्कत आए या जिससे समाजवादी पार्टी का चुनाव को जीतने में समस्या हो। हमने 2022 के चुनाव से पहले बिना शर्त, बिना किसी शर्त से समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, और क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी है तो हमें चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटें चाहिए, सिर्फ हमने 8 सीटों की डिमांड की, 8 सीटों में से हमें मुश्किल से 2 सीटें दी, उसमें भी ये उनका एक फैसला था कि एक आपका बेटा लड़ेगा और एक आपके बेटे बड़े लड़ेंगे और दूसरी आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, जबकि महानदल के रास्ते से और समाज सभी पदाधिकारियों का निर्णय था कि दोनों भाई को जो राजनीतिक है दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे, ये अलग का फैसला था, लेकिन उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप किया आदरणीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने। इसके अलावा इतनी रैलियां चुनाव के दौरान हुई, किसी भी एक रैली में आदरणीय अखिलेश यादव जी महानदल को राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने साथ लेकर नहीं गए, जितनी रैलियां उन्होंने की, जितना महानदल का संगठन था उसका पूरा इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, इतना प्रयास कर सकते थे हमें दबाने का, हमें चुनाव में बाहर रखने का, अपने को दूर रखने का वो सब किया। इसके अलावा चुनाव के दौरान भी जितनी जगह हमारा संगठन था उसका इस्तेमाल न करके चुनाव के बीच आगे की क्या रणनीति है, क्या होना है आगे? देखिए, आगे की रणनीति अभी हमारे राष्ट्रपति जी तय करेंगे, लेकिन अभी जो हमारी मुख्य हमारी जो बातें हैं ये है कि एक तरफ हम पूरी ईमानदारी के साथ हमारे पास भाजपा ऑफर लेके आती है, लेकिन हम ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे थे, और दूसरी तरफ चुनाव में भी हमें इग्नोर किया गया और चुनाव हारने के बाद भी हमें इग्नोर किया जा रहा है। आज 25 दिन से महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने का समय मांगते हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है, वो तमाम मुद्दों को नहीं, समय भी नहीं मिल रहा है मिलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा, यही मुख्य कारण है, और हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समस्या क्या थी, हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा, ठीक है, हमें मिलते हमारी बातें नहीं सुननी जा रही, तो इस तरह कैसे गठबंधन चल सकता, ठीक है, ठीक ठीक, मैं आता हूँ, हमारी मुख्य बात, ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से। विवेक जी, नतीजे आने के बाद ये जो विपक्षी दल कह रहे थे कि हम बहुत मजबूत हैं और इस बार बीजेपी की समस्याओं में डाल देंगे, इस पैनल में समाजवादी पार्टी के साथ साथ सुभाषपा, महान दल, जनवादी पार्टी, ये सब बैठे हुए हैं और सबके सब समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। देखिए नितिन जी, हम बहुत पहले कह रहे थे जी कि अखिलेश यादव जी प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन उनका गठबंधन बहुत दिन तक चलता नहीं जी, राहुल जी के साथ गठबंधन बनाए नहीं चला जी, बुआ के साथ बनाए नहीं चला जी, अब की तो इतने दलों का गठबंधन लेके आए थे जी, और हम शुरू से कह रहे थे कि गठबंधन चलने वाला नहीं है जी, ये बेमेल खिचड़ी है, आप चुनाव के समय गठबंधन बना करके लोगों को बहला फुसला के वोट तो ले लेंगे, लेकिन ये खिचड़ी बहुत दिन तक पकेगी नहीं जी, और आपने देखा कि सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं रही, और आज ये लोग खुल के बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुलाकात का समय भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये सब चाह रहे थे कि इनकी पार्टियों से किसी ना किसी को प्रत्याशी बनाया जाए विधान परिषद में। देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति है उसकी महत्वाकांक्षा संभावी है, इससे कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, अगर वो अपने लिए प्रत्याशी मांग रहे हैं तो उनकी मांग जहां तक करने का विषय है वो जायज है, अब उस पर देना ना देना
कि समाजवादी पार्टियां जो इनका जो बिगेस्ट पार्टनर है उसकी जिम्मेदारी पर है जी। अब दे ना दे ये विषय अलग है जी। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हमारे मित्रों ने बात कही कि अखिलेश यादव जी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। सही बात है जी। एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जिसके गठबंधन में आप चुनाव लड़के आ रहे हैं, अगर वो आपको मिलने का समय नहीं दे रहा तो आप सोच लीजिए उस गठबंधन में आपकी हैसियत क्या है जी। तो ये तो ढके छिपे शिकायतें पहले से आती थी कि अखिलेश यादव जी लोगों से मुलाकात का समय नहीं देते, मिलते नहीं, लोगों के बीच नहीं जाते। हम तो बार बार कहते थे देखिए लोग परिवारवादी लोग हैं, एसी कमरे के में पैदा हुए लोग हैं, ये इनका जनता के समस्याओं से जनता के बीच जाने वाला स्वभाव नहीं है जी। लेकिन हमारे ही तमाम जो मित्र पुस्तक हमारे साथ थे इधर उधर घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर करे तो उन्होंने कहा नहीं साहब अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, गठबंधन बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर भी नाराज है। देखिए हम तो बार बार कह रहे थे कि अखिलेश यादव इन लोगों को जोड़ तो लिए हैं, लेकिन कितने दिन तक ये गठबंधन चलेगा ये इस पे हम पहले से संदेह व्यक्त कर रहे थे। और ओम प्रकाश राजभर जी चूंकि जमीन से आए हुए हैं, उनका जमीन पे वर्क है, अब वो अगर कुछ अपेक्षाएं लेके जा रहे हैं और उस व्यक्ति से अगर कोई उसी के दल का गठबंधन का नेता ना मिले, मिलने का समय ना दे, ये बहुत अपने आप में अपमानजनक विषय है जी। मैं इस पे इतना ही कह सकता हूँ कि ये लोकतंत्र में या राजनीतिक दलों के व्यवहार में ये व्यवहार उचित नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूँ। पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। पवन जी, ये जो कदम आप देख रहे हैं विपक्षी दलों के उनके गठबंधन साथियों के, ये क्या गिव एंड गेन वाली राजनीति है? आप मुझे कुछ दो मैं आपको कुछ दूंगा, वो नहीं पूरा हुआ तो इस वजह से नाराजगी हो गई, या फिर समाजवादी पार्टी में सच में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो अपने गठबंधन के साथियों को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहे हैं? नितिन जी, अभी विवेक जी बता रहे थे कि राजनीति महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन उसके आगे अति लगा दीजिए, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो फिर या भारतीय जनता पार्टी हो, राजनीति ही ऐसी चीज है कि चुनाव का समय आपको नितिन जी याद होगा कि उसमें जितने अधिकतर मिलते थे दिन भर में, चार लोग मिलते थे अगर अखिलेश यादव जी को, तो चारों मंत्री बन के निकलते थे कि सरकार बनने के बाद में एक मंत्रालय तुमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब जब सरकार उनकी नहीं बनी, उनके पास चार ही सीट है तो उनको चुनना पड़ेगा। अब उसमें जितने भी गठबंधन के लोग थे वो सब स्वार्थी होते हैं, जितने भी होते हैं सब स्वार्थ से, यानी कि राजनीति हम सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं, सब स्वार्थी होते हैं कि हमारा अगर हम नहीं है तो हम आपके साथ नहीं है। मतलब ये तीनों लोग जो बैठे हैं, तीन क्या भैया, इसमें सभी सम्मिलित है, भाजपा भी सम्मिलित है। हेलो सर, इसमें सभी राजनीति की हम बात कर रहे हैं, राजनीति स्वार्थी होती है, अति स्वार्थी होते हैं। अभी आज आपको हम ताजा उदाहरण बता देते हैं नितिन जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, विवेक जी बैठे हुए हैं गोंडा जनपद, वहां पे आज एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है जी। वहां पे एक हमारे न्यायाधीश के आदेश के अनुसार वहां पे चुनाव बाद में होता है, तो आज वहां पे का चुनाव था तो बीजेपी का प्रत्याशी अलग था और एक निर्दल प्रत्याशी को वहां के भाजपा के सांसद का पूर्ण समर्थन था। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। और वो ये तो कहिए कि बीजेपी की अति मेहनत, लगन, और वहां के एक सांसद जी कीर्तवर्धन सिंह हैं, राजा भैया जो भी लोग कहते हैं गोंडा सदर संसद के, वो उनकी मेहनत और वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत से तीन वोट से जीत किए हैं, विजयी प्रत्याशी हुई भाजपा का। आप सोचिए अगर बीजेपी में ही दो भाग हैं, एक जीता रहा एक हरा रहा है, तीन वोट से जीत हार बहुत बड़ी मायने रखती है। लेकिन ये बड़ी बात है कि जो है बीजेपी जीत गया, लेकिन वहां विरोध भी हो रहा था। अगर तीन वोट से कोई हार रहा है और उसके साथ में बीजेपी के ही सांसद हैं, तो इनको अपने घर में भी देखना चाहिए। सपा कर रहा है, सपा में हो रहा है, ठीक है, भाजपा में भी हो रहा है, उसमें भी देखना चाहिए ना। इसमें तो विवेक जी को भी बताना चाहिए, अपनी बातें कहनी चाहिए, कैसे क्या कर रहे हैं। जवाब लूंगा। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी भी नितिन जी हर जगह पे देखिए, अखिलेश यादव जी नो डाउट अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके जो बड़बोलेपन है, अगर आप सम्मान की बात करते हैं तो वो सम्मान अपने पिताजी को नहीं दे पाए, ये हम आप सभी जानते हैं। मंच पर, खुले मंच पर जब उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो हम आप नहीं कर सकते हैं, वो अपने चाचा को सम्मान नहीं दे पाए जिनको हम लोग शिवपाल यादव जी कह समझते हैं, तो सम्मान देना वो आदित्यनाथ योगी से सीखना पड़ेगा, वो नो डाउट। देखिए राजनीति करना और राजनीति के लोगों के साथ रहना, दयाराम जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। देखिए जो समझते हैं वो कहेंगे ही कहेंगे, देखिए ये एक सच्चाई है।
आदित्यनाथ योगी जी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो अखिलेश जी की आवाज जाते हैं, मुलायम सिंह यादव जी के हालचाल लेने जाते हैं, स्वास्थ्य का हालचाल लेने जाते हैं, ये आप अखिलेश जी करके दिखलाएं। दयाराम जी इतना क्यों हंस रहे हैं आप? वही कहा गया है, देखो हंसने की बात पे कहा गया है नितिन भाई जी। अरे सूप भी कहे, सूप है के चलनियों कहे, देख रहे उतना छेद की समझे में नहीं आवे। अरे आपके, आपके आदित्यनाथ की सरकार में कौन खुश है ये बता दीजिए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पौने चार साल से दस्तबीन में डाल रखा है। पिछड़ों का हक अधिकार लूटने के लिए योगी सरकार बैठी है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, 12,238 शिक्षक भर्ती घोटाला, कहां से आप बात कर रहे हैं भैया? ये जब आपके 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला भाई साहब, और पिछड़ों का हक अधिकार लूटने आज आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए दयाराम जी, पिछड़ों का वजीफा के सवाल पर सामान्य जात की शुल्क पूर्ति और पिछड़ों की शुल्क पूर्ति में दयाराम जी है भैया। दयाराम जी, जब आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे तो वो ऐसे गिना देते थे, इतने सारे कार गिना देते थे, तब कहां गई थी आपकी विरोधाभास? आप यही मैं कहना चाह रहा हूं, राजनीति स्वार्थियों की है, राजनीति स्वार्थियों की है। सुनो सुनिए, देखिए योगी सरकार में नफरत के सिवा कुछ मिला हो उत्तर प्रदेश का बता दो। अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं का जो उपज हुआ है उसके खरीद में कितना बड़ा घोटाला है योगी सरकार बताए ना, इस खरीद में क्यों घोटाला हुआ है? तर्क देना आसान है, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर मुद्दे उठाना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मैं फिर बता रहा हूँ नितिन भाई। हाँ। अभी गेहूं की खरीद में, ठीक है, गेहूं की खरीद में फिर बताएंगे किसी दिन, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते योगी जी? योगी जी बताए आपने किसानों के लिए क्या रखा है, प्राइस बताइए। अभी अभी नहीं नहीं वो अखिलेश नहीं नहीं वो पवन श्रीवास्तव जी का ये कहना था कि वो जो अखिलेश यादव को लेकर के आप लोगों की नाराजगी है, कैसे लोगों को मना करके रखना है, वो मुख्यमंत्री से सीखे। वो नहीं 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 नितिन भाई देखिए देखिए, अरे ये नाराजगी हमको नहीं, भारतीय जनता पार्टी राज भर को नहीं नाराजगी दूर कर पाई, और हम तो हक अधिकार के लिए बोल रहे हैं, ये क्यों दूसरों घर में झांक रहे हैं? इन्होंने संजय निषाद को क्या एमएलसी बनाया? अनुप्रिया पटेल की पार्टी से एमएलसी बनाया? आप बताइए अपर्णा यादव का एमएलसी बनाया? अरे किसकी चर्चा आप करते हैं? भारतीय जनता पार्टी कहने तो से पहले तो नहीं नाराज है, नाराज तो आप लोग हैं ना? नहीं नाराज हम जिस गठबंधन में हैं हम उस बात को रख रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है नितिन भाई? ठीक है ठीक है, क्यों रखेंगे? ठीक है, साथ ही आपके रजी हसन कुछ कहना चाह रहे हैं। रजी हसन आप तो कह रहे थे कोई नाराज नहीं, आपने खुद सुन लिया सबके सब। नहीं नहीं नाराजगी कोई नहीं, आज भी मैं कह रहा हूं। अरे कैसी अभी सबके सब बताइए, सब नाराज। अभी आपने जैसे कि बताया पवन श्रीवास्तव जी ने संस्कार के बारे में, कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में। संस्कार क्या है? कि घर का, परिवार का सदस्य इस दुनिया से चला जाता है, आपके ये संस्कार हैं, आप वहाँ पहुँच नहीं पाते। और सबसे बड़ा संस्कार, सबसे बड़ा कर्म उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। एक योगी बनिए फिर मालूम पड़ेगा आपको, योगी जो बनता है उसका परिवार छोड़ देता है। अरे नहीं नहीं, गलत बात है, बताइए उत्तर प्रदेश की जनता से बड़ा कोई धर्म है? बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से बड़ा कोई धर्म है? उसकी सेवा से बड़ा कोई धर्म है? तो क्या प्रदेश की सेवा तो कर रहे थे वो, क्या सेवा कर रही? बताइए कितने नौजवानों को रोजगार रोजगार दे इसलिए नहीं, आप बता दिए पवन भाई कितने नौजवानों को रोजगार दे दिया? बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए आप। नहीं आप आपने कहा, आपने नहीं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने योगी जी की तारीफ की। नहीं मैं तारीफ, आप तारीफ कर रहे हैं ना, तारीफ कर रहे तो सुन तो लीजिए। मैं संस्कार के बात, आप आज संस्कारी की बात कर रहे हूं, अबे संस्कारी बात कर रहे हूं कि एक मरे पे अपने पिता को बेइज्जत कर दिया गया, वो आप सुनना नहीं चाहते। आप सुनिए तो, संस्कार की बात कर रहे हैं, संस्कार हम बता रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी, पूरा संस्कार पूरे प्रदेश ने देखा, आप सब देखते हो, बच्चे हैं छोटे छोटे उनके, अर्जुन, टीना, आदिति, जितना प्यार, जितना परिवार में एक दूसरे से मोहब्बत है, ये संस्कार आपको दिख नहीं है? चाचा से मोहब्बत क्यों नहीं है? एक मिनट सुनिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनावी मैदान में जाते हैं, अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं, ये आपको नहीं देखा जा रहा? मगर हाँ, कोई पिता अगर पिता का देहांत हो जाता है, वो अपने उसका बेटा उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाता है, ये आपको नहीं दिख रहा है? खाली बस ये दिखा जा रहा है कि मंच पे क्या बदतमीजी। आप पहले अपना कर्म धर्म निभाइए तो पहले परिवार से। आप बताते हैं कि वो योगी हैं। अरे योगियों का तो सबसे पहले ये पार्ट है कि लोगों को सही दिशा दिखाना।
जब खुद आप सही काम नहीं कर रहे तो लोगों को कैसे दिखाएंगे आप? खुद अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाते और दूसरों को पढ़ाएंगे? वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा आप संस्कार की बात कर। अब आ जाइए योगी जी की तारीफ पर। योगी जी की आप इतनी नहीं, योगी जी की तारीफ पे थोड़ी ना मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, मैं इस पे डिस्कशन ना, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपसे लोग नाराज क्यों हैं। आपके काम को, उनके कारनामों को इतने कामों में तब्दील करके इतनी खूबसूरती से पवन भाई ने इस चैनल के माध्यम से जनता में संदेश डालने का काम किया। बहुत अच्छी कला है इनके में, उसके लिए मैं भी इनसे सीखूंगा बाद। इनको भी ले लीजिएगा गठबंधन में अगली बार। गठबंधन देखिए, गठबंधन में जो भी साथी आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, और जो नाराज है उनको मना लिया जाएगा। समाजवादी एक बहुत कैसे मनाएंगे भाई? वो कोई एमएलसी बनना चाहता है, कोई राज्यसभा सांसद बनना चाहता है, कैसे मनाओगे आप लोग? और सबको अधिकार है और बनना भी चाहिए, सबकी हिस्सेदारी है। हम ये नहीं कहते कि किसी की हिस्सेदारी नहीं। देखिए, मगर परिस्थितियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से जो हम लोगों का गठबंधन मजबूती से मुस्तैदी से चल रहा और इनका मुकाबला कर रहा। अब कहां चल रहा, अब तो टूट गया। आज भी कोई गठबंधन नहीं टूटा कभी। अरे वो महान दल वाले कह रहे हैं हम छोड़ दिए, अलग हो गए। देखिए, कह दिया है, नाराजगी है, मना लिया जाएगा। समाजवादी परिवार है और परिवार में कट्टरपट्टर। और रही चाचा की बात, चाचा हमारे चाचा थे, चाचा थे, लेकिन स्टार प्रचारक नहीं रहेंगे। स्टार प्रचारक नहीं हमारे गठबंधन के। चाचा स्टार प्रचारक क्यों नहीं? जनता पार्टी के लोग इसमें लड़ाई लगाने नहीं, का चाचा स्टार प्रचारक क्यों नहीं है? आग में घी डालने का चाहे जितना काम कर ले, समाजवादी पार्टी आने वाले 2022 में गठबंधन के साथियों की मदद से मोदी सरकार को रोकेगी। 24 में? 24। हाँ ठीक है, विवेक जी क्या कह रहे थे? सरकार पे बेरोजगारी का जो आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर दिल्ली से भी कम है। ये आंकड़ों में जब बात होती है तो ये आंकड़े जो इनको सूट नहीं करते उसलिए भागते हैं। अभी इन्होंने संत की एक परंपरा पे प्रश्न उठाया, अपने पिताजी के अंतर्गत नहीं है, इसके लिए इनको संत की परंपराओं का अध्ययन करने की आवश्यकता है। और बहुत अच्छा हो कि इस विषय पर टिप्पणी करने से ये भी बचे जी, बिल्कुल। एक गाइडलाइन हम लोग दी गई है ऐसे विषयों से परहेज करने की, तो हम चाहते हैं कि उसमें वो भी सामने वाले लोग भी सचवण रेखा का पालन करें जी। इसे सत्यों पे चलता हो तो आप किसी के पिता को भी कह सकते हैं। आप आदरणीय अखिलेश यादव जी को और नेता मुलायम सिंह यादव जी को कह सकते हैं। आप आपका अधिकार है। हमने अभी तक अभी में हमने नहीं, आप कह सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या किसी के पिता को कुछ कह सकती है? संस्कार के बारे में भाजपा सिखाएगी अब? मुरली मनोहर जोशी जी को आप भूल गए? इतने अच्छे संस्कार आपके। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भूल गए? सुन लीजिए, संस्कार आपके। सुन लीजिए रजी, थोड़ा सा मैं बहुत दूर से डिबेट में जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा मेरी तकनीकी समस्या को समझते हुए। चलिए ठीक, हम समझ लेते हैं, आप बोल लीजिए, मैं उसका जवाब दे। नहीं, पूरा सम्मान है, हम समाजवादी लोग हैं, पूरा सम्मान करते हैं सबका। बड़ी बात देखिए, जो उनके पिता का के साथ आचरण है, जो चाचा के साथ आचरण है, इससे हमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है रजी जी। ये पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा है, वो सब चीजें कैमरों में दर्ज है, उस पर हम टिप्पणी करके अपना वक्त क्यों जाया करें? उनके चाचा खुद ही तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में रोते नजर आते हैं। नितिन जी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी खबर की होगी, उस पर हम क्यों टिप्पणी करके अपना वक्त जाया करें? जी सही बात। हम आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सहयोगी दल आपके विधान परिषद के टिकट बंटवारे से नाराज है, उनकी नाराजगी आप दूर कर पाने की स्थिति में है कि नहीं है? अभी हमारे किसी मित्र ने इसी डिबेट में विषय उठाया कि क्या निषाद पार्टी के संजय निषाद को विधान परिषद भेजा गया? अरे हमने उनको चुनाव से पहले विधान परिषद भेज दिया जी, और उसके बाद मंत्री बनाया है। हम तो अपने गठबंधन दलों को साथ लेकर के और उनको सत्ता ये, ये दयाराम भार्गव थे सुभाषपा से, तथ्यात्मक उनसे गलती हो गई होगी इस तरह के हमारे, वो तथ्यात्मक रूप से अपने आप को सही कर ले। संजय निषाद जी को हमने पहले एमएलसी बनाया, उसके बाद चुनाव लड़ा, फिर मंत्री भी बना दिया। हम तो सबको साथ लेकर के सत्ता में सबको हिस्सेदारी देकर के सब साथ लेके चल रहे हैं, और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो लोग हमसे फर्ज कर रहे हैं। केशव जो मौर्य अगर आज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके जा रहे हैं तो कहीं कहीं उनको निराशा लगी होगी इस गठबंधन से। तो भाजपा के मित्र अगर कुछ व्यथित है तो उनको भी कुछ निराशा की आशा होगी। ये इनका आंतरिक विषय है, लेकिन हम तो बार बार कहते थे कि साहब अखिलेश यादव गठबंधन को
के चल पाने में सक्षम नहीं है, उनका नेतृत्व इतना परफेक्ट को नहीं है कि वो सबको साथ लेकर के चल पाएंगे। आखिर वही हुआ जो हम कहते थे। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। रामजी तिवारी, ये रजी हसन कह रहे हैं कि जो लोग नाराज हैं उन्हें मना लेंगे, आप लोग मान जाएंगे ना? सर आठ साल से जो है, आठ साल से जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। भाजपा के खिलाफ हम लोगों ने जो है रैलियां करी, कई सारी करी, लेकिन उसके बाद भी ये जो चीजें आ रही हैं निकल के कि जो है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को कोई सही पद जो है मिलना चाहिए तो जो नहीं दिया गया, तो नाराजगी तो है थोड़ी सी। अब बात अखिलेश जी को करनी चाहिए आगे आके कि क्या चीज़ें हैं, उस पर बात करें कम से कम, तो समझ में आया कि आगे मतलब गुंजाइश बची है कुछ भी। जी हम लोग साथ में हैं, साथ में हैं, लेकिन बात आगे आके करनी चाहिए उनको कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, किशन भैया हैं क्या आप साथ में? आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? किशन जी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए दयाराम भार्गव के पास चलेंगे। दयाराम जी, सुना विवेक जी ने कहा कि हमने संजय निषाद को पहले ही MLC बना दिया था, उसके बाद मंत्री बनाया, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिलहाल रजी हसन ये कह रहे हैं कि जो भी नाराजगी है उस नाराजगी को हम लोग बैठ करके बातचीत करके खत्म कर लेंगे। नहीं देखिए, हमने बार बार इस चीज को किया, गठबंधन धर्म को साथ लेके चलना चाहिए, और अगर गठबंधन धर्म को साथ लेके नहीं चलेंगे तो घटक दल के लोगों को स्वतः जो है कहीं ना कहीं अपने रास्ते देखने पड़ेंगे। भाई सम्मान नहीं मिलेगा, हर किसी का अपना अधिकार है, चाहे वो महान दल हो, चाहे जनवादी पार्टी हो, स्वयं दो भारतीय समाज पार्टी, सबने जो है गठबंधन के लिए काम किया है, और गठबंधन धर्म को निभाना जो है बड़ी पार्टियों का धर्म होता है। अब समाजवादी पार्टी के नेता अगड़िए अखिलेश यादव जी किसके कहने पे किससे सलाह लेके चल रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो रैली इसके पहले 2022 के चुनाव से पहले आप देखिए कहीं भी इस तरह की नहीं थी। जब से ओम प्रकाश राजभर घटक दल में समाजवादी के साथ आए तो सत्ता की जो है चाबी दिखाई देने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ओम प्रकाश राजभर की ना मान करके, अगर वो बातें जो बताई जा रही थी अगर उस पर काम किया गया होता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ जहाँ आज भाजपा बैठी है वहां पर गठबंधन होता, और जहाँ हम विपक्ष में बैठे वहां भाजपा विपक्ष में बैठी होती। अब दूसरी बात रही, अभी उपचुनाव है, अभी उपचुनाव तो आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है? ये तो अब बैठ करके आदरणीय अखिलेश यादव जी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी इस पर चर्चा करें भाई। हम लोग तो पार्टी धर्म के जो प्रवक्ताओं के तौर पर बैठे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो उपचुनाव होना है लोकसभा को लेकर के दो सीटों पर, उस पर भी आप लोग अपना रास्ता बदल सकते हैं। नहीं देखिए, घटक दल का मतलब है सम्मान देना, ऐसा थोड़ी है कि हम अपना अपना सब कुछ आपको देते रहे और आप हमें बाय बाय करते रहे, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। आप या तो आपसे जब बातचीत कई दौर का चला तो आपने आश्वासन क्यों दिया? आपको आश्वासन नहीं देना चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का लाखों कार्यकर्ता आहत है इस निर्णय से, तो ये निर्णय जो है अखिलेश यादव के सोचना चाहिए कि एक आठ सीट जीतने वाले विधानसभा को आपने राज्यसभा सांसद बना दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम भी तो 6 सीट के साथ आपके साथ में हैं, क्या हमारा हक अधिकार नहीं? हम तो हक मांग रहे अपना। सही बात है। और हक बनता है घटक दल का। ठीक है, रजी हसन जवाब दीजिए। दयाराम जी, आपकी सब बातें जिस तरह से आप बता रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये गठबंधन उन दोनों नेताओं के बीच का गठबंधन है, और हमारे दोनों नेता, हम ये पूरा विश्वास है इस चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से, खाली दोनों के बोल रहे हैं, चार लोग हैं इसमें अभी तो, पहले जिस जोर से बोलिए रजी हसन जी, आवाज थोड़ा नहीं आ रही आपकी, आज इनकी आवाज तेज निकल भी नहीं रही है। अच्छा, तो हमारे गठबंधन के साथियों, मामला ये है कि जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, चाहे दयाराम जी हो, चाहे किशन भाई हो, चाहे जनवादी पार्टी के मैं राम जी जी हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सभी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ अभी बैठेंगे और पूर्ण रूप से इस पर विचार होगा, पुनः चर्चा होगी। और देखिए, चार सीटें थी विधान परिषद चुनाव की, चार सीटें थी जिसमें से चार सीटों में
अगर किसी भी हमारे गठबंधन के साथी को उसमें एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे गठबंधन के साथियों को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उतारने का एकदम मन बना रखा होगा, चाहे वो आने वाले 2022-24 के चुनाव में हो और चाहे कोई किसी का जिसे एमएलसी नहीं बना उसके का सीधे सांसद बना देंगे। क्यों नहीं हो सकता? अरे पार्षदी से लेकर लोग सांसद ही लड़ जाते हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं। आप तो फिर लॉलीपॉप दे रहे हैं। नहीं, लॉलीपॉप नहीं ना, ये तो गठबंधन के हिस्सा है और हम लोग भी गठबंधन के हिस्सा हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे प्रसपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे जितने भी हमारे साथी हो, हम एक दूसरे से जुड़कर तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों में फूट डलाने का काम कुछ लोग करना चाह रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विवेक श्रीवास्तव जी का मामला है, पूरा लगे हुए हैं हमारे गठबंधन को तोड़ने के लिए। वो क्यों लगे भाई? पर ऐसा होगा नहीं, वो जान रहे हैं कि 2024 की लड़ाई उत्तर प्रदेश से जीत कर ही नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ सकते हैं। विवेक जी, आप क्यों लगा रहे हैं आपके? वरना बढ़ नहीं सकते हैं, तो हमारे गठबंधन के साथियों को भड़काने का और आग में घी डालने का काम जो किया जा रहा है ये होगा नहीं। हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन के हम लोग एक साथ फिर बैठेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उत्तर प्रदेश में रोकने का काम करेंगे। ये दयाराम जी को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और किशन जी को भी, और हमारे जनवादी राम जी जी को भी, इनको भी पूरा विश्वास दिलाता हूं। विवेक जी, विवेक जी, ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोग लगे हुए हैं? नितिन जी, ये हारे को हरि नाम दे रहे हैं। हाँ। गठबंधन इनका अखिलेश यादव जी के व्यवहार के चलते टूट रहा है, मलाई में या कह लीजिए सिस्टम में हिस्सा ना देने के नाते टूट रहा है। अब समस्या ये है कि ये उस टूटन को भारतीय जनता पार्टी के तरफ मारना चाहते हैं। आपका गठबंधन महाराष्ट्र में कैसे टूट गया? आपका गठबंधन महाराष्ट्र में कैसे टूट गया भाई? उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? उसमें कैसे टूट गया? मलाई खाना आप चाहते थे, मलाई खाना आप चाहते थे, उद्धव ठाकरे जी खा रहे हैं, याद है आपको? सुन लीजिए रजी सन, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, गठबंधन आप अपना नहीं संभाल पा रहे हैं। कहाँ संभाल नहीं पा रहे, हम लोग तो गठबंधन के साथ ही साथ बैठे, पैनलिस्ट हैं हम लोग। इसको जीत के दिखाइएगा समझ में आएगा। हम लोग जीत समझते भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अरे वो तो समय बताएगा, आप आ जाइए आजमगढ़ भी और रामपुर भी, चुनाव हो जाएगा। रामपुर के नाम पर आप लोगों की हालत खराब हो जाती है। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? रामपुर के नाम से आपको हालत खराब हो जाती है। 27 महीने हमारे नेता को जेल में डाल देते हैं आप फर्जी मुकदमे लगा के। और रही बात आजमगढ़ की, क्रांतिकारी धरती है समाजवादियों की, वहाँ तो सुपड़ा साफ होना है आपका। आप इसी हार को, अच्छा रामपुर की धरती से क्यों डर लगता आपको? कोई अपने सर तोहमत लेना नहीं चाहता, आपके गठबंधन इसीलिए भी कर रहा है। भाजपा रामपुर की धरती से क्यों डरती है? आप हारने जा रहे हैं, आप 24 के बाद आपने 19 में लड़ाया था ना रामपुर से, आपने रामपुर से 19 में लड़ाया था, आजमगढ़ से लड़ाया था, कहाँ गए आपके प्रत्याशी? दोबारा दिखे नहीं जनता के बीच में। तो आपने दोनों परिवारों को दोनों सीटों पर आप दिखे नहीं कहीं थे। आज अखिलेश यादव जी के खिलाफ निरहुआ जी को लड़ाया था आपने, निरहुआ जी को उखड़ जाएंगे। कहाँ है निरहुआ जी? जनता के बीच में गए कि नहीं? आजम आप देख लीजिएगा, रामपुर की धरती से बहुत घबराते हैं आप। वहाँ के एक नेता से पूरा पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है उसका नाम आजम खान है। ठीक है सब ठीक। आजम खान जेल में बंद थे, रिहाई की भीख मांग रहे थे, बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। हाँ, आप कोर्ट हैं, आप ही ने तो फैसला दिया, तो सारे कोर्ट के फैसले आप ही तो चला रहे हैं ना। सही कह रहे हैं, कोर्ट भी आप चला रहे हैं, कोर्ट के देश भी आप चला रहे हैं, जनता को बेवकूफ भी आप बना रहे हैं, बेरोजगारी भी आप बढ़ा रहे हैं। आप तो कोर्ट हो गए ना, ट्रैक पे बात करिए, आप तो कोर्ट हो गए, कोर्ट आप न्यायालय हो गए। अरे आप क्या जमानत देंगे? कोर्ट ने जमानत दी है, ये तो आपका षड्यंत्र था, आपने 88 मुकदमे लगाए। हाँ दयाराम जी, हाँ दयाराम जी, मुझे जरा दूसरे चैनल पे बस मैं खत्म कर रहा हूँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ। पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। पवन जी, लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, क्या विपक्षी दल जिस तरह से अलग हो रहे हैं और रजी हसन कह रहे हैं कि हम मना लेंगे, मान पाएंगे, वो जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। नितिन जी, ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कि जो गठबंधन है, देखिए 2022 में कहीं ना कहीं गलती थी अखिलेश यादव की, बड़ी गलती थी, नहीं सीट का इनका और
बढ़ोतरी होती सीट में, ठीक ठाक सीट मिलता। 2024 में भी उत्तर प्रदेश में और कोई है नहीं, अखिलेश यादव ही हैं जो कि मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अब इस पे तोड़ फोड़ अगर नहीं होगा और तीसरी दल नहीं तैयार होगी तो थोड़ा सा लड़ाई अच्छा नहीं हो जाएगा। तो ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ रणनीति हो, सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है, मैं भी, या दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि भाई लोग जब जुड़ते हैं तो कुछ लाभ के लिए जुड़ते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी बताया लाभ के लिए, तो सबने बोला कि हमारा लाभ नहीं हुआ। हाँ, तो ये भी हो सकता है, और अखिलेश जी को इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर संगठन चलाना चाह रहे हैं, अपना गठबंधन चलाना चाह रहे हैं, तो उनको सबको साथ लेकर के साथ काम करना चाहिए। ठीक, इसे सीख लेनी चाहिए। फिर हम एक बात बताएंगे, आदित्यनाथ योगी जी से अखिलेश जी को सीख लेनी चाहिए और भाजपा से सीख लेनी चाहिए संगठन चलाने को। आप किसी भी गांव में आप चले जाइए, एक एक बूथ पर, एक एक लोग पे आप जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां कार्यकर्ता मिल जाएंगे। अखिलेश यादव केवल ट्विटर पर दिखते हैं, ट्विटर से नहीं चलता है। शिवपाल यादव चलते थे, उनको किनारे कर रखिए, उनके हाले चल नहीं लेते। संगठन चलाना सीखे, संगठन तभी चलेगा। ठीक जी, हाँ जी जी, हाँ विवेक जी, हाँ नितिन जी, जो अखिलेश यादव जिनके गठबंधन के दल नाराज है जी, उनको विनम्रता पूर्वक मेरी एक सलाह है। आप बुला रहे हैं, हाँ एक सलाह है, विनम्रता पूर्वक दे रहा हूँ, बुरा ना मानेंगे जी। एक बार अजीत सिंह आए थे लखनऊ, जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी तो जनता दल थी, उस समय मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह को दौड़वा दिया था मारने के लिए, और गठबंधन टूटने पे मायावती जी के साथ क्या किया समाजवादी पार्टी ने, उस रिकॉर्डों को देखते हुए जरा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मीटिंग में संभल के जाएंगे, कुछ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल पे रहेगी, लेकिन थोड़ा सा संभल के जाएंगे। ठीक है रजिया सन, जल्दी से बात पूरी कीजिए, खत्म करता हूँ डिबेट। सही कह रहे हैं, जो जैसा होता वैसे ही करता है। जिस तरह से आपने अपनी भावनाओं को इस चैनल के माध्यम से उजागर कर दिया, इस चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे सारे गठबंधन के साथी ये सुन लिए कि आप खुली चेतावनी, चेतावनी क्या, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, वो निमंत्रण दे रहे हैं, तो घी डाल करके पहले उनको जलाने का काम करेंगे, उसके बाद अपने पुचकारने का काम करेंगे। इसी तरह से आपका दोहरा चरित्र पूरे प्रदेश की जनता के सामने 2024 में आएगा, और समाजवादी गठबंधन आपको पूरी भारत की कुर्सी से रोकने का काम करेगा। ठीक ठीक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो 13 सीटें हैं उन पर चुनाव होना है, नामांकन हो चुका है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं वो उनसे काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। कारण बताया गया है कि ये जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है या फिर जिन्हें एमएलसी बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनमें गठबंधन के साथियों के लोगों को जगह या उनके नेताओं को जगह नहीं दी गई है या उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया है। अब अखिलेश यादव इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे ये देखना है हमें। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दिनेंद्र, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।